तो आज हमारे पास में पैनल स्टार्टर आया है और इस पैनल स्टार्टर की रिपेयरिंग करेंगे। हमें भी पता नहीं इसके अंदर क्या हो रहा है। चलिए इसको खोलकर ओपन करते हैं, जो कि 2 HP यहाँ पर ये 2 HP मोटर पर ये काम करता है। और ये ऑफ बटन, ऑन बटन है, और ये ऑफ बटन है, ये इंडिकेटर है, और ये पुश बटन है। यहाँ पे ये वोल्टेज घड़ी, ये एम्पियर घड़ी, यहाँ MCL लगती है। चलिए यहाँ पे ये MCL है, MCL तो इसके अंदर पड़ी हुई है। अब ये अच्छी है या ख़राब है ये तो अब फ्रिज में चेक करने के बाद ही पता चलेगा। चलिए इसको एक बार चेक कर लेते हैं, फ्रिज में किस प्रकार से चेक करते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर हमारा फ्रिज लग रहा है, ये हमारी फ्रिज की डोरी है जो कि लाल काला, इसमें वायर है और दोनों वायर हम दोनों तरफ फंसा चुके हैं, क्योंकि हमें डायरेक्टली लाइट में नहीं लगाना है, इसको फ्रिज में लगाना है। और ये फ्रिज में यहाँ पर इसको प्लग पर लगाते हैं। चलो ये ऑन हो गया, ऑफ हो गया, एक दो बार फिर से चेक करना, टीवी तो ठीक है। अब बाकी काम इसका रह गया, इसमें क्या प्रॉब्लम है हमें इधर से तो कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। बाकी इसमें से जो कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर में एक पत्ती नहीं है और एक ही पत्ती है यहाँ पर कॉन्टैक्टर में। चलिए इसको खोलते हैं, खोल कर ओपन करके आपको दिखाते हैं। हमने दोनों बुलेट ओपन कर लिए हैं और ओपन करने के बाद में इसको भी कैप को भी बाहर निकाल लेते हैं। और कैप को बाहर निकालने के बाद में देखते हैं, ओ यहाँ पर तो एक और दो, दोनों यहाँ पे पत्तियाँ नहीं हैं, इस कारण ये भी ऑन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर ये तो ठीक ठाक है, इसके बाद में इसको चलो खोलने के बाद में इसकी पत्ती ठीक है या नहीं है, फिर भी हम यहाँ इस पर पॉइंट किट डालेंगे क्योंकि बाद में भी यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। 100-150 रुपये का पॉइंट किट आता है, उसको आप बाज़ार से ला सकते हो और यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे पॉइंट किट भी हम आपको डाल कर दिखाएंगे। चलो इनको खोल लेते हैं, यहाँ पर इस नोज प्लास से यहाँ से इसको निकाल लेंगे। ऊपर एक पॉइंट चिपकी हुई होती है और ये दोनों यहाँ पे चिपकी हुई है, तो दोनों को एक साथ भी निकाल सकते हैं। हमने दोनों को एक साथ निकाल दिया है। चलिए ये देख लीजिए दोस्तों, कुछ छोटी वाली और बड़ी वाली दो होती है। यहाँ पर ये वाली तो थोड़ी अच्छी है, पर हम इसको नहीं लगाएंगे, हम दूसरी को लगाएंगे। चाहे तो इसको लगा सकते हो आप, वो भी काम कर जाएगी। यहाँ पर इसको पॉइंट किट को देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी कार्बन वगैरह इस पर आ रहा है, तो चलो इसको भी खोल कर नया डाल देते हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार का पॉइंट किट आता है जिसमें सभी इसके पत्ते वगैरह स्प्रिंग सभी यहाँ पे इसमें मिल जाती है आपको, क्योंकि 100 रुपये का आपको मार्केट के अंदर आसानी से मिल जाएगा। हमारे पास में यहाँ पे काफ़ी नए और पुराने भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, इसमें से भी हम लगा सकते हैं, तो हम इसी में से इसमें लगाएंगे। चलिए यहाँ से इसको सभी तारों को ओपन कर लेते हैं। चलिए नीचे की तरफ से आप पता रहना चाहिए कि कौन सा तार कहाँ पर था, तो बाकी बाद में लगाने में कोई दिक्कत ना होगी। एक बार यहाँ से आप फ़ोटो भी ले सकते हो ताकि देख देख कर वापस लगा सकते हो। हमने रिले को एक तरफ हटा लिया है और रिले को हटा कर कुछ यहाँ पर ये पॉइंट निकले हैं और इनको एक तरफ धरते हैं, बाद में इसको वापस लगाएंगे। अब इस पर 3 बोल्ट होते हैं, यानी कि एक यहाँ पे, एक यहाँ पे होता है और 2 आगे की तरफ होते हैं, उनको खोलते हैं और इसको पलटते हैं। बुलेट खुलने में नहीं आए तो यहाँ से हमने ग्लेंडर की मदद से इसको काट दिए हैं और काट कर अब इस बुलेट को निकाल लेते हैं कॉन्टैक्टर को बाहर। जब कॉन्टैक्टर बाहर आ जाता है, हम नए बुलेट यहाँ पर लगा देंगे और ये कॉन्टैक्टर ओपन हो जाता है अपना। अब कॉन्टैक्टर के नीचे 4 बोल्ट लगे हुए होते हैं यहाँ पे, इन 4 बुलेट को स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल कर निकाल देंगे। यहाँ पर हमारा लास्ट वाला बुलेट खुलने में नहीं आया है, तो हम इसको तोड़ना भी नहीं चाहेंगे और इसको घुमा कर ही यहाँ से हमारा काम निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से ओपन कर लेना है और हमारे कोई दिक्कत भी नहीं आती अगर हमारे एक तरफ हो गया। चलिए यहाँ से इसको निकाल लेते हैं। इसको ओपन करने से पहले हमें जो जितने भी पत्ते वगैरह स्प्रिंग यहाँ पर हमारे लगी हुई होती है इस पर, उनको निकाल लेना है। इस प्रकार के पत्ते होती है, नहीं तो ये ओपन होने में नहीं आएगा। बाकी हम निकाल लिए और निकालने के बाद में इसको ओपन करते हैं। ओपन हमारा आसानी से ओपन हो जाता है,
ओपन होने के बाद में कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये मैग्नेट कोयल पे दो स्प्रिंग लगी होती है जो कि बड़ी वाली, दोनों स्प्रिंगों को भी हम बाहर निकाल लेंगे क्योंकि हमें पूरा ही सेट यहाँ पे बाहर निकालना है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कचरा लगा हुआ है, आपको रेती या रेतमाल की मदद से इसको साफ़ कर सकते हो। उसको खोल कर यहाँ पर इसको हम घिस कर भी कर सकते हैं, यहाँ पर पट्टी की मदद से कुछ इस प्रकार से घिस कर भी यहाँ पर सफाई कर सकते हैं। इस पर इसको यहाँ से हमने अच्छे से सफाई कर दी है। वीडियो में काफ़ी आपको कम दिखाई दे रहा होगा क्योंकि हमारा थोड़ा कैमरा ख़राब है। और अब इसके बारे में जो अंदर वाला जो निकलता है कॉन्क्रीट पे लगा हुआ होता है, इसको यहाँ पर बाहर निकालेंगे। और इसको भी दोस्तों यहाँ से मैग्नेट पकड़ता है, ये दोनों इस प्रकार से मैग्नेट पकड़ते हैं, तो इसको भी यहाँ से घिसना पड़ेगा। कार्बन ज़्यादा ही इस पर आ रहा है, हम रेती पे इसको घिसेंगे। काफ़ी कार्बन यहाँ पे उसका उतर चुका है। इसमें यही खराबी थी, यहाँ पर ये दोनों पत्ती है ना, ये दोनों पत्ती यहाँ पर जल चुकी है। इसकी बराबर ये पत्ती थी और इसकी बराबर ये पत्ती थी साइड वाली। अब ये दोनों पत्ती यहाँ पर हम नहीं डालेंगे, इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे पत्ती को इस प्रकार से। इस प्रकार से चारों पत्तियाँ सेट होती है, दो छोटी बड़ी, दो छोटी होती है साइडों के और दो बीच की बड़ी होती है। और इस प्रकार से यहाँ पर स्प्रे में फंस जाती है। अब वापस इसको लगाते हैं। ये हमारा लग चुका है पत्ती वाला। उसके बाद में यहाँ पर स्प्रिंग लगाएंगे दो, यहाँ पर दो स्प्रिंग लगाएंगे जो कि बड़ी वाली स्प्रिंग थी दोनों तरफ जो मैग्नेट कोयल के वहाँ पे आती है। यहाँ पर मैग्नेट कोयल हम इसके ऊपर लगा देंगे दोनों छेदों पर पत्ती के इस प्रकार से। उसके बाद में मैग्नेट कोयल सेट हो जाती है। उसके बाद में ये पत्ती है जो इस प्रकार से यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद में ये वाला सॉकेट इधर से भी लगा सकते हो आप, इधर से भी लगा सकते हो, कैसे भी आप लगा सकते हो इसको। यहाँ पे सॉकेट को वापस लगा दिए, अच्छे से बिठाना है। बिठाने के बाद में उसका फ्रेम वापस उसी पे लगाना है, आसानी से फ्रेम वापस लेना है इस पर। और चारों बुलेट यहाँ पे कसकर वापस इसको सेट करना है जैसे पहले था। यहाँ से हमने चारों बुलेटों को कस लिया है नीचे से, आमने सामने के दो बुलेट थे उनको कस लिया है। और बाकी जो हमारी जो पत्ती वगैरह है उनको यहाँ से खोल लेंगे और एक एक खोलना है दोस्तों, ताकि ध्यान रहे यहाँ पर कौन सा वायर कहाँ पर लगाए। एक खोल के पत्ती को घिस के या फिर चेंज करके वापस वहीं पर लगाना है, ताकि हमें उस चीज़ का पता रहे कि कहाँ से कौन सी जगह का वायर कौन सी जगह से खोला है, हम वहाँ से वापस लगा सकते हैं। अगर एक साथ आप सभी वायरों को खोल लोगे तो उसमें आपको लगाने में दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास में ये जो केबल है पूरी एक साथ जुड़ी हुई है, तो पता नहीं चलता कि कौन सा वायर कहाँ पर लगा हुआ है। और इनके ऊपर कोई केप भी नहीं लगी हुई है कि कौन सा कलर का वायर और कौन सा नंबर का वायर है। इस वजह से जहाँ का वायर जहाँ पे लगाना है हमें, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस प्रकार से एक एक करके सभी को यहाँ पे घिस लेना है, और घिसने के बाद में पूरा हम आपको दिखाते हैं। पहले इसको सभी को घिस लेते हैं। वो घिस कर हमने रिले को वापस यहीं पे सेट कर दिया है। अगर दोस्तों इसकी वायरिंग की आप अगर वीडियो देखना चाहें तो हमारे इस वीडियो के नीचे लिंक आपको मिल जाएगी। दूसरा वीडियो जो हमारे चैनल पर जाकर आप वैसे भी देख सकते हो, अलग से वीडियो बना रखी है। और दोस्तों इसके बाद में अब हमें लगाना है यहाँ पर पत्ती को लगाना है, जो कुछ इस प्रकार की पत्ती होती है यहाँ पर, इन पत्तियों को यहाँ पर लगाना है। इस पत्तियों को यहाँ पर लगाते हैं, सभी पत्तियों को लगाकर यहाँ पर सेट करते हैं। अरे वो बिगाड़ी मत, मना लगा, सही
यहाँ पर चारों पत्तियों को हमने लगा दिया है, और चारों पत्तियों को लगाने के बाद में इस पर इस प्रकार की कुछ पत्ती वगैरह लगती है जो कि इसको पत्ती को रोकती है बाहर निकलने से। तो इसको यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ से इस प्रकार से घुमाकर इसको लगाना होता है, यहाँ पर लगाते हैं। उसके बाद में स्प्रिंग लगानी होती है, जो हमारे पास में ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को यहाँ पर इस प्रकार से दबाकर लगाना होता है। आप चाहे तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से भी आप इसको लगा सकते हो। यहाँ पर ये लग चुकी है, इसी प्रकार से चारों पर हमें वही प्रोसेसिंग करना है। मेरे को सेट करके यहाँ पे वापस हमने कैप लगा दी, और कैप लगा के पूरा कंप्लीट जिस प्रकार से हमने वायर को लेते उसी प्रकार से पूरे वायर यहाँ पर लगा दिए हैं। बाकी यहाँ पे एमसीबी नहीं थी, ये डायरेक्ट यहाँ पे लगा हुआ था, तो हमने इसमें एमसीबी में लगा कर सीधा यहाँ पर लेके आ गए। जैसे पहले वायर थे वैसे ही पूरे वायर लगे हुए हैं, हमने कोई छेड़ाछाड़ी नहीं की है। और यहाँ से अब इसको ऑन करके देखते हैं। यहाँ पे हमने सीरीज में वायर लगाए जो कि 220 वोल्ट यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और अब इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए हमें इधर से ग्रीन बटन को दबाना पड़ेगा, एमसीबी को ऊंचा, एमसीबी हमारे नीचे, इसको ऑन कर लेते हैं। और अब हमारा कॉन्टैक्टर चालू हो गया, अब यहाँ से ऑफ करते हैं। ऑफ हो गया, चालू हो गया। आपको शायद वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा, मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा। आपको स्टार्टर की भी वॉल्यूम नज़र आई होगी, देख लीजिए। यहाँ से ओप ओप अच्छी तरह से हो रहा है, और यहाँ से अब हम इसको ओप कर दिए, और यहाँ से भी ये ऑन हो जाता है, ऑन हो चुका है। अब ओप इधर से करें, कंप्लीट हो चुका है। एम्पियर घड़ी तभी चलेगी जहाँ पर मोटर लगेगी, वोल्टेज घड़ी यहाँ पर वोल्टेज दिखाती है, पर हमने इसको वायर नहीं जोड़ रखे हैं। यहाँ पर ये पुश बटन पे लगे हुए, पुश बटन हमारा ख़राब है, इस वजह से पुश बटन ख़राब है हमारा। अगर ये चल जाए तो वोल्टेज घड़ी वोल्टेज दिखाएगी, देख लीजिए दोस्तों, वोल्टेज घड़ी वोल्टेज दिखाने लग गई, यानी कि हमारा पुश बटन ठीक ठाक है इस वजह से। और यहाँ पे इस घड़ी का बत्ती का वायर ख़राब है, बत्ती हमारी ख़राब है।